नमस्कार, मैं निकिता वर्मा, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग के 88 नए मामले, अब तक 17,000 हेक्टेयर में वन संपदा राख। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने के बावजूद जंगलों में आग की घटनाएं कम नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटे में जंगलों में आग लगने के 88 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन संपदा राख हुई है। बुधवार शाम से गुरुवार शाम तक धर्मशाला वन सर्कल में जंगलों में आग लगने के 44 नए मामले सामने आए हैं। मंडी सर्कल में 23 मामले, नाहन में 8, बिलासपुर में 4, चंबा में 3, रामपुर में 3, सोलन में 2 मामले दर्ज हुए हैं। धर्मशाला सर्कल में 231.75 हेक्टेयर, मंडी में 224 हेक्टेयर, नाहन में 140 हेक्टेयर, रामपुर में 24 हेक्टेयर, सोलन में 9 हेक्टेयर, बिलासपुर में 300 हेक्टेयर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में 6 हेक्टेयर और चंबा में 26 हेक्टेयर भूमि पर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि 1 अप्रैल से अब तक प्रदेश में जंगलों में आग लगने के रिकॉर्ड 1,637 मामले वन विभाग ने दर्ज किए हैं। ये मामले पिछले 4 साल के मुकाबले सबसे अधिक हैं। इनमें करीब 17,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन संपदा राख हुई है।